कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया में 24 साल की जारा से होती है, जो कि ट्रैफिक में फंसने की वजह से परेशान हो जाती है। जारा एक फेमस हॉलीवुड स्टार क्रिस कोल की पर्सनल असिस्टेंट है, जो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, जो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। वो जारा को मैसेज करता है कि वो कहाँ रह गई और उसे ऑर्डर देता है कि वो कुछ भी करके जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट पहुँचे, क्योंकि जारा के पास उसका ब्रेकअप गिफ्ट है, जिसे देके वो उस लेडी से अपना रिलेशन खत्म करेगा। जारा मैसेज सुन के लेन तोड़ती है और जल्दी से जल्दी रेस्टोरेंट पहुंचती है और उसे चुपके से वो गिफ्ट देती है। क्रिस लेडी को वो गिफ्ट देता है जिसमें एयररिंग्स होती है और उससे ब्रेकअप करता है। बाद में वो कार में होते हैं और क्रिस अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट को लेके परेशान होता है, जो कि जारा को भी बेहुदा लगती है। जारा उसे अपनी एक राइटर सजेस्ट करती है, पर क्रिस उसे बीच में रोकते हुए बोलता है कि उसे उसकी कोई राइटर नहीं चाहिए, वो अपने आप खुद से एक बेहतर राइटर शॉर्ट लिस्ट करेगा और वो जारा को उसमें उसकी मदद करने का ऑर्डर देता है। साफ तौर पर वो जारा को कुछ नहीं समझता और उसे जॉब से निकालने की धमकी देता रहता है। दूसरी ओर जारा की बेहद ही सुंदर माँ ब्रुक अपनी सपोर्टिव सास को उसका लिखा एक आर्टिकल पढ़ते हुए देखती है और उससे पूछती है कि वो कैसा है। उसकी सास कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा लिखा है, पर ब्रुक कहती है कि उसमें इसे पब्लिश करने की हिम्मत नहीं है। उसकी सास उसे हिम्मत देती है और बोलती है कि उसे लाइफ में अपनी खुशी के लिए जो करना है वो करे, पर ब्रुक बोलती है कि जारा के पिता की मौत के बाद से वो ऐसे हुई है। थोड़ी देर बाद जारा घर आती है और अपनी माँ के साथ टाइम बिताती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कहती है कि क्रिस उसे कुछ नहीं समझता और उस पर बस ऑर्डर थोपता रहता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी उसकी उम्र कम है तो उसे इतनी करियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी जॉब पर बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन जारा उसकी स्क्रिप्ट ठीक करवाने के लिए राइटर से मिलने जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो क्रिस के घर पहुंचने में लेट हो जाती है और क्रिस अपने गेट का कोड चेंज कर देता है, जिसके चलते जारा को गुस्सा आता है और वो गेट फांद के अंदर जाती है और उसका सामना करते हुए उसकी नौकरी छोड़ देती है। जारा घर पहुंचती है और अपनी माँ को नहीं बताती कि उसने जॉब छोड़ दी है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनी आती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए ब्रुक के कुछ डिजाइनर ड्रेस देखती है। जिनी के बोलने पर कि उसे अपनी माँ को बताना चाहिए, तो वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे जॉब छोड़ने के बारे में बताती है। अगले दिन जब क्रिस को अपने फैसले पर पछतावा होता है, वो फिर जारा के घर जाता है, जहां ब्रुक अकेली घर की साफ सफाई कर रही होती है। दरवाजा खुला देख क्रिस घर में घुस जाता है और उसे देख के ब्रुक डर जाती है। क्रिस उसे बताता है कि वो जारा को असिस्टेंट प्रोड्यूसर की पोजीशन देने का ऑफर देने वहां आया है, क्योंकि उसे ऐसे निकाल देने से उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रुक उसे वहां रुक के जारा का इंतजार करने को बोलती है और क्रिस उसके बार से टेकीला की एक ड्रिंक बनाता है। ब्रुक रेडी होकर वापस आती है। क्रिस उसे बताता है कि वो जारा को वापसी जॉब देने के लिए आया है, जिससे ब्रुक खुश होती है और जारा की जॉब में वापसी की खुशी में दोनों ड्रिंक पीते हैं। उसका इंतजार करते करते वो ड्रिंक्स पीना कंटिन्यू रखते हैं और क्रिस ब्रुक को बताता है कि वो आजकल टेंशन में है, क्योंकि जो वो मूवी कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट खराब है और जल्द ही वे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। क्रिस ब्रुक की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक सेक्सुअल रिलेशन की स्टार्टिंग करते हैं। वो दोनों ब्रुक के कमरे में होते हैं और जारा भी घर आ जाती है। अपनी माँ को ढूंढते हुए जारा ब्रुक के कमरे में चली जाती है। दोनों को इंटीमेट पोजीशन में देखकर जारा चौंक जाती है और हड़बड़ी में अपना सर दीवार में मार लेती है। डॉक्टर के क्लिनिक पर दोनों जारा को समझा रहे होते हैं कि ये सब उन दोनों के बीच बस हो गया, पर जारा गुस्से में उनकी बात नहीं सुनती। घर पहुंचकर क्रिस जारा से अकेले में बात करने के लिए ब्रुक को अंदर जाने को बोलता है और क्रिस को समझाता है कि वो सिर्फ उसके घर उससे मिलके उसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर की जॉब देने आया था और अचानक ब्रुक और उसके बीच ये सब हो गया। क्रिस जारा से वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसलिए जारा उसके लिए एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के लिए वापस आ जाती है। शूटिंग पर वो दोनों स्क्रिप्ट को लेके बात करते हैं, पर जारा उसे बोलती है कि उसने स्क्रिप्ट ठीक करवा ली है और वो उसे पढ़ सकता है। शूटिंग खत्म होती है और दूसरी ओर ब्रुक अपनी राइटिंग का काम कर रही होती है। तभी क्रिस का मैसेज उसे आता है कि क्या वो डिनर के लिए उसके साथ चलेगी और ब्रुक मान जाती है। ब्रुक सीधा रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां क्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे को करीब से जानने की कोशिश करते हुए फैसला करते हैं कि अब उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जारा को पसंद नहीं है। क्रिस ब्रुक को वॉक पर लेके एक स्टूडियो के सेट पर ले जाता है, जो न्यूयॉर्क जैसा दिखता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद वो एक दूसरे को रोक नहीं पाते और इंटीमेट होने लगते हैं। घर पहुंचकर ब्रुक जारा से मिलती है, जो उससे पूछती है कि वो कहां गई थी, जिसके जवाब में वो जारा से सच बोलती है और उसे बताती है कि वो क्रिस के साथ डिनर पर थी, पर उसे अपने रिलेशन के बारे में छुपाती है। जारा जिनी को सब बताती है, जिसके जवाब में जिनी उसे बोलती है कि वो फालतू की टेंशन ले रही है। वो दोनों बस डिनर पर गए थे, उनके बीच कुछ और नहीं हुआ होगा।
जारा कहती है कि क्रिस को लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है और अगर उसने उसकी माँ को हर्ट किया तो वो उसे जान से मार देगी। दूसरी ओर ब्रुक अपनी सास को ये सब बताती है और साथ ही बताती है कि उसे ये सब जारा से छिपाने में अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी सास उसका साथ देते हुए कहती है कि अगर उसे क्रिस के साथ अच्छा फील होता है तो उसे वही करना चाहिए जो उसे सही लगता है, और कहती है कि जारा भी इस बात को समझ जाएगी। ब्रुक और क्रिस अब और करीब हो जाते हैं और दोनों अकेले ट्रिप पर जाते हैं जहां वो अकेले टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। ऐसा लगता है कि क्रिस के अंदर भी ब्रुक के लिए फीलिंग्स है। जारा को पता चलता है कि क्रिस ने बिना उसे बताए एक राइटर को हायर कर लिया है, पर जब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं ब्रुक है तो वो गुस्से से भर जाती है। वह एक फंक्शन में उन दोनों से भिड़ जाती है जब जारा कहती है कि क्रिस उसे धोखा दे देगा जैसे वो हर लड़की के साथ करता है, तो ब्रुक कहती है कि वह क्रिस के साथ खुश है और अपने पति के साथ रहने के बाद से वह इतनी खुश नहीं रही है जितनी अब है, जिसके चलते जारा ब्रुक को बोलती है कि अगर वो ये सब खत्म नहीं करेंगी तो वो घर छोड़ रही है। जारा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर ब्रुक उसे नहीं रोकती और वो जिनी के साथ रहने का फैसला करती है। घर पर ब्रुक क्रिस से कहती है कि शायद जारा ठीक कह रही है, उन्हें ये सब बंद करना होगा। क्रिस सहमत होता है और कहता है कि वो मिलके बात करेंगे, जिसके बाद ब्रुक बताती है कि वो कैलिफोर्निया अपनी सास के पास जा रही है क्रिसमस मनाने, शायद वो उसके बाद मिले। कैलिफोर्निया में ब्रुक अपनी सास लीला को बताती कि उसका और क्रिस का रिलेशन जारा को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उसने उससे ब्रेक लिया है, जिसे सुनके उसकी सास कहती है कि उसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए और उसे क्रिसमस के लिए यहाँ इन्वाइट करना चाहिए और कहती है कि जारा को वो संभाल लेगी। जारा भी क्रिसमस के लिए अपनी दादी के घर पहुँचती हैं। लीला जारा को समझाती है कि उसे अपनी माँ को थोड़ी लाइफ में मौज मस्ती करने देनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद से वो बस उसे ही संभाल रही है और उसकी खुद की भी एक जिंदगी है। तभी जारा देखती है कि क्रिस भी वहाँ पहुँच जाता है। लीला उसे बताती है कि उसने ही उसे वहाँ बुलाया है। दिन के समय लीला अपनी कहानियाँ सुना के सभी को एंटरटेन करती है। दिन के एंड में क्रिस सभी का शुक्रिया करता है और बताता है कि ये उसका पहला क्रिसमस है जो उसने किसी फैमिली के साथ बिताया है। दिन के बाद दोनों सास बहू ड्रिंक कर रहे होते हैं। लीला बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो, जिससे ब्रुक थोड़ा शर्माती है और कहती है कि उसे डर है कि उन दोनों के बीच भी वैसे प्रॉब्लम्स ना हो जैसे उसके पति के साथ थी। तब ब्रुक अपनी सास को बताती है कि जारा के पिता के मरने से पहले ही उसके और उसके बीच रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता था, और जारा ये बातचीत सुन लेती है। क्रिस सभी के लिए गिफ्ट लाता है, वो लीला को स्कार्फ देता है, जारा को उसकी नई पोजीशन और ब्रुक को उसके अभी तक के सभी आर्टिकल और कहानियों का कलेक्शन एक बुक में बना के देता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। बाद में जाते वक्त जारा कार में बैग रखते समय वो क्रिस के बैग में वही सेम इयररिंग देखती हैं जो वो हमेशा ब्रेकअप करते समय लड़कियों को देता था। घर पर जारा ब्रुक और क्रिस को बताती है कि क्रिस कितना बुरा है, ये दावा करते हुए कि वह जिन लोगों से रिलेशन तोड़ता है उनके लिए वही बालियां खरीदता है और उसके पास ब्रुक के लिए पहले से ही एक जोड़ी तैयार है, जिसकी वजह से ब्रुक क्रिस से रिलेशन तोड़ती है और उसे जाने को बोलती है। बाद में स्टूडियो में जारा को क्रिस को ढूंढने के लिए कहा जाता है जो परेशान और अकेला है। क्रिस ने उसे विश्वास दिलाया कि वो अच्छा आदमी बनने के लायक नहीं है, उसे एक विलन होना चाहिए। वह उसे समझाता है कि वह ब्रुक के साथ रिलेशन तोड़ने का कोई प्लान नहीं बना रहा था, वह बस भूल गया था कि बालियां उसके बैग में थी, क्योंकि वह अक्सर अचानक से परेशान होकर रिलेशन खत्म कर देता है। जारा फिर ब्रुक के पास जाती है, एक्सेप्ट करती है कि वह क्रिस के बारे में गलत थी, लेकिन ब्रुक सुनने से इनकार कर देती है। जारा सुपरमार्केट में अपनी दादी की मदद से क्रिस और ब्रुक के बीच एक मीटिंग का प्लान बनाती है और अपनी गलती बताती है और उन दोनों से माफी मांगती है। इस सुलह के बाद क्रिस और ब्रुक फिर से एक साथ हो जाते हैं और एक साल बाद उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है और ब्रुक एक फेमस राइटर बन गई है और जारा क्रिस की कंपनी में प्रोड्यूसर बन गई है।